दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, इसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था और वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन योद्धाओं की मौत से लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी। तो दोस्तों, आखिर युद्ध में बचे विधवाओं का क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा दें। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र से गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले ही दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थे, लेकिन उस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करते थे, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत कीजिए, वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात में आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ उनके अपने मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोगों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में अपने परिजनों के लिए जो शोक था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगाजल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वे गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं।
महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के साथ उनके लोक में चली गई। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।